क्या हिंदू गॉड्स की इंसल्ट की गई है हाईजैकर्स को भोला एंड शंकर जैसे नाम दे के IP 814 शो के अंदर? क्या आतंकवादियों को व्हाइट वॉश करने की ट्राई की जा रही है? एक्चुअली में नेटफ्लिक्स पे एक शो आया था जिसका नाम है IP 814, जो कि एक रियल लाइफ हाईजैक पे बेस्ड है, जो हाईजैक 24 दिसंबर 1999 में हुआ था, और इसका कनेक्शन 26/11/2001 इंडियन पार्लियामेंट अटैक के साथ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली है। सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि काठमांडू से एक प्लेन निकला, उसको रास्ते में ही हाईजैक कर लिया गया 5 हाईजैकर्स के द्वारा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो काठमांडू के अंदर रो एजेंट ऑपरेट कर रहे थे राम, उन्होंने पहले ही इस हाईजैक की वार्निंग दी थी, लेकिन उनके जो ऊपर वाले ऑफिसर थे उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया नहीं। गवर्नमेंट की मिस्टेक नंबर 1। हाईजैकर्स इस प्लेन को काबुल ले जाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्लेन में इतना फ्यूल था नहीं, तो हाईजैकर्स ने बाद में डिसाइड किया कि प्लेन जाएगा लाहौर पाकिस्तान। लेकिन ये साल वही था जब कारगिल वॉर हुई थी, और ऊपर से था तो वो पाकिस्तान ही ना। ऐसा बोला जाता है कि उस हाईजैक में पाकिस्तान भी इन्वॉल्व था, लेकिन उसने लाहौर पे लैंडिंग की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद में हाईजैकर्स के पास में कोई ऑप्शन था नहीं। तो जो कैप्टन शरण थे उन्होंने हाईजैकर्स को कन्विंस कर लिया कि प्लेन को हम लोग अमृतसर में लैंड करवाएंगे और वहां से रिफ्यूल कर लेंगे। अब ध्यान देना कि इंडिया में हाईजैक हुआ प्लेन इंडिया में ही लैंड कर रहा है। पंजाब पुलिस को पहले ही आगाह कर दिया गया और उन्होंने एक प्लान बनाया कि जो रिफ्यूलिंग टैंकर होगा उसके अंदर हम हमारे कमांडोज को बिठा के प्लेन के अंदर चढ़ा देंगे। लेकिन दिल्ली में ये कंफ्यूजन चल रही थी कि नॉर्मल कमांडो उस प्लेन के अंदर नहीं जाएंगे, बल्कि NSG कमांडो दिल्ली से आएंगे और फिर बाद में उस प्लेन के अंदर जाएंगे। इन सब कंफ्यूजन और पॉलिटिक्स के अंदर 45 मिनट तक प्लेन वहीं पे खड़ा रहा था, उसको नहीं रिफ्यूल किया गया, ना ही कोई एक्शन लिया गया। प्लान रेडी था, सब कुछ रेडी था, लेकिन फाइनल परमिशन नहीं दी गई थी। अब हाईजैकर्स को यहां पे कुछ सस्पिशियस लगा, उनको लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इस वजह से उन्होंने 20 मिनट के आसपास एक आदमी का गला तो काट दिया था और एक को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था फ्यूल लेट करने की वजह से। लेकिन अब उनको लग रहा था कि कुछ ना कुछ हो सकता है, तो उन्होंने कैप्टन शरण को बोला कि अभी तुमने प्लेन टेक ऑफ नहीं किया तो हर 10 मिनट में यहाँ पे एक आदमी मरेगा। ऊपर से कैप्टन के ऊपर भी बंदूक तानी गई थी, जिसकी वजह से कैप्टन शरण ने फिर अमृतसर से टेक ऑफ कर लिया और प्लेन वहां से 50 किलोमीटर दूर लाहौर गया। ये थी गवर्नमेंट की मिस्टेक नंबर 2। और ऊपर से गवर्नमेंट ने ये सारा ब्लेम कि वो क्यों नहीं घुस पाए फ्लाइट के अंदर, इसका सारा ब्लेम उन्होंने कैप्टन शरण पे डाल दिया कि उसने एक मिनट प्लेन को जल्दी उड़ा लिया था, इस वजह से हम अंदर नहीं घुस पाए। सोचो कि आप कैप्टन हो, आपके दिमाग पे बंदूक रखी गई है, पीछे 2 आदमी जख्मी है, 110-120 लोगों की जितने भी लोग थे उनकी जान आपके हाथ में है, और आपको बोला जाए कि अगर अभी टेक ऑफ नहीं किया तो हर 10 मिनट में एक आदमी मरेगा, तो आप लोग क्या करोगे? इन सारी घटनाओं के बावजूद प्लेन पहुंचा लाहौर में और वहां पे वो क्रैश लैंडिंग करते करते बचा, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट एंड टाइम तक परमिशन नहीं दे रहा था। ऊपर से उन्होंने सारी लाइट्स भी बंद कर दी ताकि प्लेन यहां पे जबरदस्ती लैंड ना कर पाए। प्लेन जस्ट एक रोड को हिट करने वाला था, लेकिन तभी लाहौर ने परमिशन दे दी बुरी कंडीशन को देखते हुए, और इस कंडीशन को सीरीज में बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। कॉन्ट्रोवर्सी यहां पे ये थी कि जो 2 हाईजैकर्स थे उनका नाम रखा गया था भोला एंड शंकर, कि अपने हिंदू भगवान शंकर से मिलते जुलते हैं। अब इस कंट्रोवर्सी को कुछ ऐसे समझो कि आप अगर कभी प्लेन हाईजैक करने जाओ, मतलब समझ लो एक एग्जांपल के तरीके से, तो वहां पे जाओगे आप प्लेन हाईजैक करोगे, जिसके बाद में अगर आपको आपके फ्रेंड के साथ में कम्युनिकेट करना हुआ तो आप उसको ओरिजिनल नाम से बुलाओगे या फिर एक कोड नेम रखोगे जिसकी मदद से आप कम्युनिकेट करोगे, ताकि आपकी आइडेंटिटी वहां पे रिवील ना हो। इसी तरीके से उन हाईजैकर्स ने अपना नाम चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला एंड शंकर रख लिया। और ये चीज मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि गवर्नमेंट ने इस चीज को खुद प्रूफ किया है। ये चीज गवर्नमेंट की MEA रिपोर्ट के अंदर साफ साफ लिखा गया है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो भोला एंड शंकर एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे तो एक दूसरे का नाम भोला एंड शंकर ही लेंगे ना कोड वर्ड के अंदर, और उसी चीज को सीरीज के अंदर दिखाया गया। भारत में ना जाने एक दिन में भाई कितने क्राइम होते होंगे। अभी वो कोलकाता वाला इंसिडेंट हुआ था, इसके बावजूद सारे लोग जब नेटफ्लिक्स के एक छोटे से शो में जहाँ पे चीजें सच दिखाई गई है, कोई केरला स्टोरी वाला गेम नहीं खेला गया, यहाँ पे किसी के सपोर्ट में नहीं बोला गया है, जब लोग उसको क्रिटिसाइज करें तो समझ लेना चाहिए कि जो भारत की दुनिया के सामने इमेज है ना वो कैसी बनेगी। और कुछ लोग पहले भी बोलते थे और अभी भी बोल रहे हैं कि 5 हाईजैकर्स थे, 100-200 लोग थे, तो क्यों ना उसके ऊपर अटैक करके उनको मार डाला जाए। वेल, यहाँ पे कोई बॉलीवुड मूवी नहीं चल रही है जहाँ पे हीरोइक मूवमेंट, हीरो आएगा सबको बचा लेगा। इन हाईजैकर्स के पास प्लान बी भी था,
प्लेन के अंदर किसी को पता नहीं था हाईजैकर्स को छोड़ के कि उस प्लेन में 17 किलो RDX भी रखा गया था, जो कि प्लेन को तो उड़ाता उसके साथ साथ उसकी आसपास की बहुत सारी जगहों को उड़ा देता। और मे बी ये 17 किलो RDX उसी वजह से रखा गया था कि अगर कुछ गड़बड़ होती है तो इसको डेटोनेट कर दिया जाए। तो जब भी हाईजैक जैसी कोई सिचुएशन हो तब अपना ज्ञान अपने पास रखना चाहिए और हीरो ज़्यादा बनने की ट्राई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम अकेले तो मरोगे साथ ही साथ बहुत सारी लोगों की फैमिली को भी लेके मरोगे। इंडिया में लोग क्या करते हैं कि जो फिक्शनल मूवीज होती है, जैसे कि योद्धा मूवी आई थी जो कि 1999 के हाईजैक की एक फिक्शनल मूवी है, लोग उसका सपोर्ट करेंगे, उसको कभी बॉयकॉट नहीं करेंगे कि इसके अंदर मिस इन्फॉर्मेशन दिखाई गई है, बल्कि जो एक्यूरेटली चीज़ें बनाई जाती है ना, क्योंकि कड़वी होती है थोड़ी एक्सेप्ट करना, उसको बॉयकॉट करेंगे वो लोग। और जब पूरी देश की मीडिया उस टाइम पे सरकार की गलती निकालने की बजाय ये गलती निकाल रही थी कि कैप्टन शरण ने एक मिनट प्लेन को जल्दी उड़ा लिया नहीं तो प्लेन बच जाता, एक्चुअली में कैप्टन शरण की मदद से प्लेन 2-3 बार बचा है। हाईजैकर्स का एक्चुअली में प्लान था कि कांधार से इंडियन पार्लियामेंट में प्लेन को क्रैश करवाना। एक्चुअली में ऐसा हुआ था कि हाईजैकर्स प्लेन को कांधार ले गए थे, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था कि भाई तुमको क्या चाहिए वगैरह वगैरह। तो लास्ट में हाईजैकर्स ने सोचा कि क्यों ना प्लेन को ले जाया जाए, इंडियन पार्लियामेंट में ही सीधा घुसा दिया जाए। वो तो कैप्टन शरण ने थोड़ा सा अपना दिमाग दौड़ाया और प्लेन को थोड़ा सा ओवर फ्यूल कर लिया, ताकि जो प्लेन की जो पाइप थी वो कुछ फट गई थी। ऐसा आप शो में देखोगे तो आपको पता चलेगा एक्यूरेटली क्या था क्या नहीं, लेकिन उनकी वजह से ये दूसरा बड़ा हादसा भी बच गया। अब मेरी बात करो तो मैं इस कंट्रोवर्सी से भाई बहुत ज्यादा खुश हूँ, बिकॉज ऑफ मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बोला था कि ऐसे शो आते हैं और चले जाते हैं, इनको कोई भी भाव नहीं देता, कोई भी पूछता नहीं है, लेकिन इस कंट्रोवर्सी की वजह से अब हर कोई इस शो को देखेगा। और मैं चाहता हूँ कि भाई लोग देखे और सीखे थोड़ा बहुत कि मूवी लाइफ और रियल लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क होता है। यहाँ पे तुम टेररिस्ट के साथ में दो हाथ नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हो, उसके साथ साथ में जो प्लेन में जितने भी लोग है ना उनकी जान भी खतरे में डाल रहे हो। इसकी जगह आपको शांत कैसे रहना है, दूसरे लोगों को भी दिलासा कैसे दिलाना है कि हम लोग घर पहुंच जाएंगे सेफली, वो चीजें थोड़ी ज्यादा सीखनी चाहिए। अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो कुछ लोग बुरा मान जाएंगे कि भाई ऐसे कैसे बोल रहा है तू, लेकिन एक्चुअली में रियलिटी यही है कि ये शो दिखाता है कि गवर्नमेंट की कैसे गलतियां हुई उस टाइम पे कैसे देवी शरण अपना दिमाग यूज करते हुए सारे लोगों की जाने बचाए उन्होंने, जिनको बोल रहे थे न्यूज वाले और सारे लोग की उनकी गलती है। ये कोई हिंदू देवी देवताओं का अपमान नहीं है, उन्होंने जस्ट कोड वर्ड यूज किया और उन्होंने दिखा दिया, जस्ट सिंपल भाई, कितना सिंपल है समझना। तो ये कोई भी देवी देवताओं का अपमान नहीं है, इस सीरीज को आप बेबिंदास जाके देख सकते हो। शो का नाम है IC 814 और ये शो नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है, तो चाहो तो इस शो को आप देख सकते हो, ये काफी बढ़िया शो है। मैं हूँ HS Explorer, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए भाई कोई लफड़ा मत करना, और लफड़ा करने का बहुत ज्यादा शौक हो तो आर्मी में चले जाओ या पुलिस में भर्ती हो जाओ, देश के काम लगोगे तुम लोग। तो अपना ख्याल रखना, मिलते हैं अगली वीडियो में।